आप लोगों से जितना भाई लोग मालदा सिटी से इधर आसपास से अगर देखते हो जहाँ मैंने राइड किया आज एंड आया हो तो ज़रूर से कमेंट कर देना, पता चलेगा कि थैंक यू सो मच। आपने मेरे को ना सरप्राइज दे दिया भाई। सो गाइस आज का लोकेशन थोड़ा चेंज है। हेलो तो गाइस आज का जो लोकेशन है ना थोड़ा चेंज लग रहा होगा आपको, यस, क्योंकि मैं हूँ नहीं अपना टाउन पे, वो रही मेरी भूसा दूसरे देख सकते हो। ओ माय गॉड, इतना रेस्पेक्ट कैसे लग गई यार मेरा भूसा पे। सो ये अपना बाइक है लेकिन अपना थोड़ा चेंजेस है कि अपना फुल सिस्टम है एंड अलॉय वगैरह गोल्डन है, सो इस टाइप कुछ है। एंड हियर इज़ BMW एम स्पोर्ट, इसको भी ट्राई करेंगे, इसमें क्या क्या दिखाएंगे सब कुछ। एंड अभी चलाते अपना, ये रातुल भाई का भूसा है, राइड विथ रातुल, सब भाई का चैनल है इधर, सब भाई का। अपना उधर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा बाइक्स वगैरह है लेकिन इधर जितना भी है सब यूट्यूबर है और मेरे को पता नहीं कि कैसे व्यू आ रहा। हाँ आई होप सही आ रहा हो। हाँ लेट्स रोल गाइस। चलने से पहले आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताते हैं, बहुत ही मतलब यूज़फुल है एंड बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत कुछ मतलब पैसा कमाने के लिए। तो चलो फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, एक गेमिंग ऐप जिसमें मैं गेम खेल के अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। एंड इस गेमिंग ऐप का नाम है वन विन। एंड इस गेम के अंदर सबसे मेरा फेवरेट गेम जो है उसका नाम है लकी जैक। एंड इस गेम में मैं 3,000 रुपया डिपोजिट कर चुका हूँ, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ 3,000 रुपया डिपोजिट कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले ऐप ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर में जो डिपोजिट का आपका बटन दिख रहा है, वो क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट मेथड चूज करना पड़ेगा। एंड इसे मैंने पेटीएम चूज कर दिया है। उसके बाद सीधा आपको जाना है अपना फेवरेट गेम के ऊपर लकी जैक। एंड इसमें मैं 2 बेट लगाऊंगा जैसे कि पैसे जीतने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा पैसा 2,325 बन गए एंड मतलब मैंने जितना लगाया था उससे डबल हो चुका है। तो मैंने दूसरा बेट जो लगाया था उसको भी एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस इसमें भी देख सकते हो मेरा पैसा डबल हो चुका है एंड मेरा टोटल अमाउंट बन चुका है 3,195। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये पैसा कैसे निकालना है, तो वो भी आप लोगों को बताते हैं। गाइस पैसे निकालने से पहले हमें अपना अकाउंट इसमें लॉगिन करना पड़ता है, फिर आपको विड्रॉल ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फिर आपको जैसे पेमेंट मेथड मिल जाएगा जैसे कि इधर बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैंने पेटीएम सिलेक्ट किया। एंड गाइस पेटीएम सिलेक्ट करने के बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। ये मेरा एक दोस्त का साइड है तो मैं भरोसा करता हूँ। एंड इसमें रजिस्ट्रेशन करना भी ज्यादा मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। गाइस आप लोग रजिस्टर करने के टाइम अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपको 2,500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। गाइस देर किस बात की, आप लोग भी ये गेम खेलो एंड बहुत सारा पैसा अर्न करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके रजिस्टर कर सकते हो। एंड इन दोनों में ना भाई मतलब ग्राउंड मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा बेस मिला क्योंकि उसमें रेस्पीड लगा हुआ है, वन ऑफ द लाउडेस्ट एग्जॉस्ट, लेकिन अपना फुल सिस्टम का तरह लाउड नहीं है, इसमें बेस ज़्यादा होता है। एंड इसमें अभी एससी लगा हुआ है तो दोनों ही बहुत ज़्यादा लाउड है, लेकिन फ्लाई बाय का जो साउंड आता है ना वो अपना भूसा से ही आता है। अपना भूसा बोले तो फुल सिस्टम से, भूसा में फुल सिस्टम लगाओगे तब फ्लाई बाय का साउंड आएगा, नहीं तो इसका फ्लाई बाय में मज़ा नहीं आता, वो फड़फड़ फड़फड़ करता है। सो व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड होप ऑल गाइज आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन भाई एक चीज मेरे को पता चला इधर कि हाँ टाइम जो होता है ना भाई मॉर्निंग राइड इधर शुरू होता है कम से कम अपना 1 बजे से। सीरियसली मैं ना 10:30 से वेट कर रहा है कि भाई चलना है चलना है। सो फ्यूल अप डन गाइस सभी का, भाई ने तो पूरा फुल करा लिया। सो गाइस मेरा भी फुल करने का टाइम आ चुका है, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द फुल 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 जैसा होता है ना उस टाइप का खेला होगा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये रोड पे फिर से आने वाले हैं। सो गाइस गेस कर सकते हो भूसा को इस रोड पे कितने, चलो भाई रोड का थोड़ा सा भी मेरे को अंदाजा नहीं है कि कहाँ पे क्या है नहीं है। सीखना भाई पूरा था मतलब भाग है, जो 2 वीडियो आया था नहीं सीख था, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि भाई वो रोड जो था ना एंड कॉन्फिडेंस अपना पूछा साथ अपने था मतलब अपने साथ अपना पूछा था, तो कॉन्फिडेंस लेवल भाई वो हो फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं मालदा पे आके इधर भाई लोगों के साथ में राइड कर रहा हूँ, तो राइडिंग एक्सपीरियंस क्या है ना शेयर करेंगे आगे, रोड का भाई लोगों का सब कुछ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कभी डिफरेंट सिटी में मेरे को जाके राइड करना है, ये होगा इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी बहुत सारे डिफरेंट सिटी में। हाँ चेंज, चलिए
थैंक यू सो मच। आपने मेरे को ना सरप्राइज दे दिया भाई। मैं ना वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये मेरे को टेस्ट करना है, लेकिन आपने कुछ ही दे दिया। चलो देखते इसका मजा लेते हैं अभी। One of my fab adventure, sorry, तेरी की अबे adventure नहीं है ये, मैं खुद को ही खुद गाली दे रहा हूँ, करने का है नहीं। इसका posture कैसे होगा? अबे ये तो ऊपर नहीं जाएगा भाई, ये थोड़ा कैन है, ये थोड़ा नीचे, अपना कैन है इतना ऊपर रहता है तो देखने को सही से मिलता है। वे, साला मैंने कितना सही से खींचा, पक से ना इधर आ गया। ये ना भाई मेरे को ये रोड पे ना बहुत ज़्यादा लॉरी वगैरह चलता है तो पता ही नहीं चलता कि कब इधर आता है कब उधर जाता है। सावधानी में काम लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका जो ब्रेकिंग है ना भाई, पूरा चुम्मा ब्रेकिंग है भाई एकदम। एससी प्रोजेक्ट का मफलर ऑर्डर हो चुका है, आने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो इन फ्यूचर पता नहीं राइड कर पाऊंगा कि नहीं, अगर होता है तो जरूर से करूंगा। लेकिन इसमें अभी एग्राफोविच का फुल सिस्टम टाइटेनियम हेडर जो होता है ना वो लगा हुआ है, मतलब स्टॉक हेडर नहीं है इसमें। तो एक चीज़ क्या है कि उसके लिए जो स्टॉक साउंड नहीं है एंड मफलर स्टॉक है, तो साउंड का मतलब फुल सिस्टम हो गया है, इसीलिए साउंड थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा सा लाउड है। एंड परफॉर्मेंस भी शायद ट्यूनिंग वगैरह चेंज हुआ होगा, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, भाई से पूछेंगे। लेकिन भाई ये जो पावर देता है, जो ब्रेकिंग देता है ना, अल्टीमेट भाई, BMW भूसा एक सेकेंड BM, ये जो दो चीज़ें ना भाई, इसका मेरे मुकाबले कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, अलग चीज़ है भाई ये। भूसा 1000 RR M Sport है ये, यस BMW S1000 RR M। ब्रेक से ना भाई वन फिंगर आप 200 प्लस में भी आपको वन फिंगर यूज करोगे ना, आराम से सब कंट्रोल कर लोगे। सीट बहुत हार्ड है भाई इसका। ये मेरे को पता चल रहा है कि सीट बहुत ज्यादा हार्ड है। जैसे फोर्थ से फिफ्थ में शिफ्ट किया ना, मेरा हैंडल पूरा बबल हो गया। व्हीली कभी भी लग रहा है यार, मतलब लग जाएगा इजीली, बट मैं करता नहीं कभी। कुछ चलाया ना भाई, दिन खुश हो गया। बहुत दिन बाद मैंने M4 चलाया, लास्ट चलाया था अपना वसीम भाई का, वसीम भाई के पास जब था BMW M4 सेम मॉडल था, M4 ही था वो। एंड उसमें एरो लगा हुआ था फुल सिस्टम भाई, वो मतलब गजब का साउंड था, मतलब हारने वाला पूरा साउंड था, उसमें मजा आया था लास्ट टाइम। फिर ये मेरे पापा भी चलाया उसके बाद। आपको अगर इंडिकेटर नहीं दिखता ना तो मैं इधर से अभी निकल जाता। वो कस्टमाइजेशन किए थे ना हमने, और मतलब एम ब्रेक मैंने बोला था, एम बैचिंग का जो आता है, जो M1000 में आता है। ओके, सामने वाला किया था ना, ओके, और पीछे का अपना काउल, पीछे का सीट काउल, ओके, ये लगाया और एक्सेसरीज में ये ऑयल कैप चेंज किया। अच्छा अच्छा, ये वाला हाइड्रोलिक ऑयल कैप भी चेंज किया। अच्छा। हेडर तो है। हाँ, वो मैंने बताया, एकरा का हेडर टाइटेनियम हेडर है, लेकिन मफलर अभी स्टॉक है। एससी आ रहा है ना, एससी 1 आ रहा है। सो गाइस, आज का ये ब्रेकफास्ट आइटम है, लेकिन लंच में कर रहे हैं, क्योंकि भाई से मतलब ब्रेकफास्ट का चाहिए, क्योंकि टर्न पे राइड करके मेरे को मजा नहीं आता है। तो भाई मेरा ये देगा कि हाँ, मैं सुबह राइड कर रहा हूँ भूसा एंड 1000 RR। लोकेशन बहुत ज्यादा चेंज है। इस जगह का नाम क्या है? काजोल। मोइना चेक पोस्ट। तो भाई लोगों के साथ फर्स्ट टाइम है, सो गाइज मज़ा आ रहा है एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी एक राइड करके आए, आज तीनों बाइक है ना, तीनों बाइक चलाएंगे, दो बाइक अभी तक चला लिए, तो एक भूसा और एक बस चलाएंगे। ये भूसा अपना वाला अपना दिखता है उसी, ये इसको चलाएंगे, उसके बाद फिर इसको चलाएंगे BM। अभी जा रहे हैं मैं और हीरोक भाई, BM वर्सेस भूसा करेंगे। एंड गाइस, आप लोगों से जितना भाई लोग मालदा सिटी से इधर आसपास से अगर देखते हो, जहाँ मैंने राइड किया आज एंड जहाँ आया हो,
तो जरूर से कमेंट कर देना, पता चलेगा कि इधर से कितना भाई देखता है, कितना भाई सपोर्ट है। तो कमेंट जरूर से चाहिए मालदा से, मालदा के आसपास एंड ये गाजोल से एंड आजू बाजू में जितना सब है, कमेंट करना गाइस, फिर भी मेरे को पता चलेगा माहौल कुछ ऐसा है। सो गाइस टाइम फॉर ब्लू बुसा। चलो अभी हीरक भाई के साथ सामने थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं, कैसे रोड है सामने देखते सेकंड ईयर में नॉक हुआ था। आई होप कि भाई पूरा ना माने पप्पा भाई, मतलब उस भाई की गाड़ी है ये, उसे एक बार आदमी आ जाता है ना भाई, अपना सेटिंग अगर बन जाता है तो भाई वो मतलब कुछ नहीं बताते, अलग चीज़ है भाई। तो बाइक फिर से स्वैप करते हैं। खत्म इनिशियल है भाई पूरा इसका। उसे जब खींचे ना इसका उंगली लग जाता भाई, मतलब जो पावर डिलीवरी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, रॉ वीडियो था भाई पूरा रॉ। तो मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार।